नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। इंडिया की जगह भारत लिखने पर बोले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा है इंडिया इज द भारत। जयशंकर ने कहा है कि सभी को संविधान पढ़ना चाहिए। जयशंकर ने कहा है कि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। जयशंकर ने कहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सभी को संविधान पढ़ना चाहिए। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया की जगह भारत लिखने पर बोले हैं विदेश मंत्री। उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आपको बता दें, दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने वाली G20 बैठक में शामिल होने के राष्ट्रपति भवन में एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया था, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। इसको लेकर विपक्ष में निशाना साधते हुए विदेश मंत्री ने लिखा है कि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। वहीं विपक्ष का कहना है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबरा रही है, इसलिए देश का नाम बदल रही है। तो इसी पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया की जगह भारत लिखने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया दैट इज भारत। संविधान में लिखा है, उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत से प्रेम है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने निशाना साधा है कि भारत से प्रेम है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों। इंडिया का विरोध भारतीय संविधान का विरोध है। उन्होंने कहा कि इंडिया का विरोध बाबा साहेब का विरोध करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दलितों का वोट लेने के लिए आज बीजेपी आरएसएस नाटक करते हैं, वोट के लिए बाबा साहब को भगवान का अवतार बताते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पोस्ट कर कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर देश के बंटवारे का बीज बोने वाले आरएसएस और बीजेपी को अचानक भारत प्रेम कैसे जाग गया। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बाबा साहब को भगवान का अवतार बताते हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत से प्रेम है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जा रही है। तो इंडिया का विरोध भारतीय संविधान का विरोध है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर निशाना साधा है। फिर उन्होंने बयान दिया है कि इंडिया का विरोध संविधान का विरोध है, इंडिया का विरोध बाबा साहब का विरोध करना है। वही बढ़ते अगली खबर की ओर। एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक है। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी की पहली बैठक है आज। आपको बता दें, रामनाथ कोविंद के हर दोपहर 3 बजे होगी बैठक। आपको बता दें, इसके साथ ही एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी अध्यक्ष है कोविंद। तो आपको बता दें, एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी की आज पहली बैठक है। रामनाथ कोविंद के घर पर दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें, कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही कमेटी की पहली बैठक होगी, जिसमें चर्चा की जाएगी एक देश एक चुनाव को लेकर। एक देश पर कमेटी के अध्यक्ष हैं कोविंद। आपको बता दें, ये पहली बैठक है जो रामनाथ कोविंद के घर पर दोपहर 3 बजे की जाएगी। तो आज पहली बैठक है जिसमें चर्चा की जाएगी कि एक देश और एक चुनाव पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसमें लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, इसको लेकर कमेटी बनाई गई है जिसमें कई लोगों के नाम है। वहीं इसको लेकर आज रामनाथ कोविंद के घर पर बैठक है दोपहर 3 बजे। ये पहली बैठक है कमेटी की। वहीं बढ़ते खबरों में आगे। खबर डींग जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां चुनावों से पहले राज्य मंत्री जाहिदा खान को अपने ही समुदाय के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मंत्री जाहिदा के खिलाफ क्षेत्र के अमरुका गांव के पास सैकड़ों लोग टेंट लगा के इकट्ठे हो गए, जहां उन्होंने जाहिदा खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस से मांग करते हुए कहा कि जाहिदा खान को छोड़कर पार्टी कामा से किसी की भी टिकट दे, हम उसे जिताएंगे। अगर कांग्रेस जाहिदा खान को टिकट देती है तो मेघ समाज का कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा। साथ ही लोगों ने कहा कि ये प्रदर्शन कांग्रेस के विरोध में नहीं है, जाहिदा खान के खिलाफ है। सवाल इस बात का, एक आदमी दिक्कत बना
ना कहीं बहस रहे सवाल पूछना तो प्रभु तेरा जेल चला गया जी। आप खबर रांची से जहां स्वास्थ्य मंत्री चन्ना गुप्ता ने बैठक की है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने लिंग परीक्षण पर बात करते हुए कहा कि किसी भी जिले में लिंग परीक्षण की बात सामने आती है तो इसके लिए वहां के सिविल सर्जन और संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे, ऐसे में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सिविल सर्जनों को PCPNDT एक्ट और क्लिनिक एस्टोलेंट एक्ट की शक्ति से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि लिंग परीक्षण रोकने के लिए सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। तो सीधे लिए चलते हैं आपको, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, संसद के विशेष सत्र को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसीलिए वो हमारी मांगों का नजरअंदाज किया, पर इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है, हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है, प्राथमिकता है चर्चा होनी चाहिए, किस रूल के तहत, किस नियम के तहत, वो हम बातचीत कर सकते हैं सरकार और इंडिया पार्टियों के बीच में और अलग अलग पार्टी के बीच में बातचीत हो सकती है। तो जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, मैं आपको मोटे तौर से गिना लूंगा और यह जो आपको खत मिल जाएगा आपको इस पर और जानकारी मिल जाएगी। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं, और जो खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का बहस हो, जिस दिन होगा वो तय हो सकता है। पर जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, खास तौर से आवश्यक वस्तुओं पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है और रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं और MSME सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग परेशानी में है हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बहस होने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा जो सोनिया जी ने जिक्र किया है, किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, आंदोलन था आपको याद है, 3 काले कानून लाए गए थे, उस पर आंदोलन हुई, बाद में सरकार को मजबूरी से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, पर कुछ समझौता हुआ था, कुछ वादे किए गए थे MSP को लेकर, खास तौर से कानूनी गारंटी MSP को देने की बातचीत हुई थी और किसान संगठनों के अलग अलग मांगे भी थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, MSP को लेकर लीगल गारंटी के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है, इस पर चर्चा हो, सोनिया जी ने जिक्र किया है। तीसरी मांग जो हमारी है, जो अडानी बिजनेस ग्रुप को से लेकर जो खुलासे हुए हैं हमारे मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और रोज कुछ ना कुछ छपते रहता है, इस पर जांच हो रही है, एक विशेष समिति का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सभी की जांच हो रही है, पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिना JPC से
इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता। जो तथ्य हैं, जो रिश्ते हैं अडानी के और मोदी सरकार के बीच में, और जो एकमात्र लाभार्थी हैं मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों के, जो अडानी बिजनेस ग्रुप है, उसके जो खुलासे हुए हैं उस पर जेपीसी का गठन होना बहुत ज़रूरी है। ये मांग हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 7 महीने से कर रहे हैं, पर ये मांग हम फिर से दोहरा रहे हैं और सोनिया जी ने इसको प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया है। चौथा मुद्दा है कास्ट सेंसस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 2011 में, हमने प्रयास किया कि जातीय जनगणना हो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, हमने पूरा भी किया, पर उसमें और काम करने की ज़रूरत थी। हमारी सरकार चली गई 2014 में, उसके बाद में उस जातीय जनगणना के बारे में हमने कुछ सुना नहीं। न केवल जातीय जनगणना नहीं हुआ है, पर जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो हर 10 साल जनगणना होती है, वो भी अब तक नहीं हुआ है। और उस जनगणना न होने के कारण हमारे देश में करीब 14 करोड़ लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी नहीं बन पाए हैं। तो जनगणना होना जरूरी है, और खास तौर विशेष तौर से जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी कार्यक्रम है, हमारे सामाजिक न्याय के कार्यक्रम है, सामाजिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उसको और मजबूती देने के लिए ये जातीय जनगणना होना जरूरी है, अनिवार्य है। पांचवा मुद्दा है संघीय ढांचा पर जो आक्रमण हो रहा है, अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में देखा है आपने, केरला में देखा है, कर्नाटक में हमारा अन्न भाग्य गारंटी को रोका गया था, अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की भूमिका रोज हम उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। पर यह साफ हो गया है कि ये संघीय ढांचा पर एक जानबूझकर एक प्लान्ड रणनीति के कारण है कि राज्यों को, खास तौर से जो राज्य बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उनके सामने मुसीबतें खड़ा करना, उनको परेशानी में डालना, उनकी जो संवैधानिक हक है, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको न देना, ये सब मोदी सरकार की रणनीति है। और ये हम उठाना चाहते हैं, इस पर बहस होने की ज़रूरत है। और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर सभी कई राज्यों में जो चिंता जताई गई है, कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है, इस पर चर्चा ज़रूर कराइए। छठा मुद्दा है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, खास तौर से हमने देखा है कुछ राज्यों में अत्यधिक बाढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक बाढ़ के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, नुकसान पहुंचा है, और एक राज्य में अत्यधिक बाढ़ हो रहा है, दूसरे राज्य में महाराष्ट्र जैसे राज्य में अत्यधिक सूखा हो रहा है। तो ये अत्यधिक बाढ़ और अत्यधिक सूखा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, पर अब तक इसको प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया है। ये चिंता का कारण है, चिंता का विषय है। और प्राकृतिक आपदा में जिला सरकार, पंचायत, नगर पालिका, राज्य सरकारों की भूमिका तो है, पर सबसे अहम भूमिका केंद्र सरकार की होती है, राहत केंद्र सरकार से आता है, कैलेमिटी रिलीफ केंद्र सरकार के माध्यम दिया जाता है। तो ये कई राज्यों ने ये बात उठाई है, और न केवल बीजेपी जो विपक्ष के राज्य हैं, पर सभी राज्यों में जो प्राकृतिक आपदाएं से पीड़ित हैं, या तो अत्यधिक बाढ़ या अत्यधिक सूखा, तो इस पर हम समझते हैं कि वक्त आ गया है इसको संसद में चर्चा हो, और सोनिया जी ने इसका भी जिक्र किया है। सातवां मुद्दा चीन से लेकर है। आप जानते हैं 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने स्वयं चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, पर उसके बावजूद आज
हमारे जमीन पर चीन बैठा हुआ है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, चुनौती है हमारे लिए विदेश नीति के लिए, पर इस पर 3 साल से बहस नहीं हो पाई है, एक शब्द नहीं बोला गया है। हालांकि जो शब्द बोले गए हैं 19 जून 2020 को, वो एक क्लीन चिट दिया गया है प्रधानमंत्री से, और इसकी कीमत हमें भारी तरीके से चुकानी पड़ी है। पर इस पर बहस होना चाहिए और अगले रणनीति क्या, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं इसको लेकर, सिर्फ आलोचना के लिए नहीं, पर हम चाहते हैं एक सामूहिक संकल्प संसद की ओर से दुनिया के सामने रखा जाए कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला हम एकजुट होकर करेंगे। 8वां मुद्दा, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर से हरियाणा जैसे राज्यों में, ये चुनावी रणनीति तो है ही, पर सांप्रदायिक तनाव कई राज्यों में प्रयास की जा रही है। कभी कभी जो संस्थाएं हैं, बोला जाता है ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, पर कभी कभी नॉन फ्रिंज एलिमेंट भी इसमें शामिल हैं। तो सोनिया जी ने कहा है कि जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है अलग अलग राज्यों में, एक भय का वातावरण बनाया गया है, एक माहौल बन गया है भय का, लोग चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं, लोगों को निशाना बनाया गया है, इस पर चर्चा हो। और आखिरी मुद्दा जो उन्होंने जिक्र किया है, मणिपुर को लेकर, 4 महीने हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म हो चुकी हैं, आज भी लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं, और आज ही हमें पढ़ने को मिला है कि अगले 5 दिन के लिए, जब हम G20 मना रहे हैं दिल्ली में, 5 दिन के लिए इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगाया गया है। तो अगर स्थिति नॉर्मल है तो 5 दिन के लिए पूरा कर्फ्यू क्यों लगाया गया है? तो ये 9 मुद्दे हैं सोनिया जी के खत में, और उन्होंने कहा है कि एक रचनात्मक सहयोग के भावना से, इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल भी किया है, इस रचनात्मक सहयोग के भावना से आप ये तय कीजिए, टाइम समय दीजिए और बताइए कि इन मुद्दों पर एक मौका मिलेगा सभी पार्टियों को अपने बात रखने का। न सिर्फ हमारी पार्टी, सभी पार्टी, बीजेपी की पार्टी भी चाहेगी कि इन मुद्दों पर वो भाग लें, पर इस पर चर्चा होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में भी ऐसे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तमिलनाडु में लेकर नीट का मुद्दा है, महाराष्ट्र को लेकर मराठा आरक्षण का मुद्दा है, ये भी वहाँ के पार्टी जो सांसद हैं वो इस सत्र में उठाना चाहेंगे, और वो मौका उनको भी मिलना चाहिए। तो आपको खत मिल जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि, हालांकि अगले 4-5 दिन सरकार व्यस्त रहेगी, पर 18 तारीख तक हमें समय है, सिर्फ सरकारी एजेंडा के आधार पर ये विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 5 बार लिखा है बुलेटिन में, ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते, ये नामुमकिन है, ये परंपरा के खिलाफ है। जो आपका एजेंडा है, बैठक बुलाइए, हमसे बातचीत कीजिए, आप विधेयक पास कराना चाहते हैं, पारित कराना चाहते हैं, हमें बताइए, पहले से बातचीत कीजिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज जो 6 घंटे या 5 घंटे हम मिलेंगे, उसमें से 1.5 या 2 घंटे या 2.5 घंटे इन मुद्दों पर चर्चा हो, किसी भी नियम के आधार पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि ये 5 दिन का सत्र चले, हम इसमें भाग लेंगे, हमारी मांग समक्ष रखेंगे,
चेयरमैन साहब के समक्ष और स्पीकर साहब के समक्ष, पर हम जानते हैं कि निर्णय तो सरकार ही लेगी कि क्या ये मुद्दे लिया जा सकता है नहीं या नहीं। पर हम चाहते हैं कि इन 9 मुद्दों पर जरूर चर्चा हो और भरपूर हम इस पर भाग लेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारी बात रखकर हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बात सुनेंगे हम, बात भी बोलेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये एक तंत्र का जो तोप चलाया जा रहा है, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई मशवरे के, बिना कोई वार्तालाप के, बिना कोई बातचीत के सदन को बुलाना, सदन का जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, उसको एक राज रखना, ये एक तंत्र का तोप है। हम अपने आप को, प्रधानमंत्री अपने आप को, हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र की शहनाई नहीं बचती है, पर सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाया जाता है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। शुक्रिया। अगर आपके कोई सवाल है मैं लूंगा। हम चर्चा चाहते हैं, हमारी मांग है कि इस पर JPC हो। आप खत में भी हमने लिखा है इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है, और मुद्दा है JPC का गठन अडानी मामले में। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। इस दौरान जयराम रमेश ने बताया कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने 9 मुद्दों को लेकर जिक्र किया है, जिसको लेकर सदन में विशेष सत्र को उठाया जाए, इसमें जिसके साथ ही उन्होंने 9 मुद्दों का जिक्र किया। इसमें किसानों को लेकर जिक्र किया गया, इसमें बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी जिक्र किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।